शनिवार को भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मैच खेला गया। भारत ने ये मैच 43 रनों से जीता। इसके साथ ही टीम इंडिया में जीत के साथ गंभीर के युग की शुरुआत हुई। भारत की इस जीत में सूर्य कुमार यादव और रियान पराग चमके। सूर्या ने एक तूफानी अर्धशतक लगाया तो रियान पराग ने लास्ट में 3 विकेट लिए। लेकिन हर जगह रवि बिश्नोई की तारीफ हो रही है। बिश्नोई ने भले ही इस मैच में 1 विकेट लिया लेकिन हर कोई उनके जज्बे को सलाम कर रहा है। दरअसल बिश्नोई श्रीलंकाई पारी के 16वें ओवर में जब गेंदबाजी करने आए तो वो कैच लेने के दौरान बुरी तरह चोटिल हो गए। गेंद बिश्नोई के चेहरे पर लगी। ये एक बड़ा हादसा भी हो सकता था क्योंकि बॉल बिश्नोई की आँख के ठीक नीचे लगी। अगर गेंद उनकी आँख पर लगती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन बिश्नोई बुरी तरह चोटिल होने के बाद भी मैदान से वापस नहीं लौटे। उन्होंने एक बेमिसाल जज्बा दिखाया और गेंदबाजी करना जारी रखा। इसी ओवर में उन्होंने श्रीलंकाई कप्तान चेरिसिलंका को आउट कर दिया। इसके बाद हर किसी को लेजेंडरी स्पिनर अनिल कुंबले की याद आ गई। 2002 में जब टीम इंडिया वेस्टइंडीज दौरे पर थी तो अनिल कुंबले बैटिंग के दौरान बुरी तरह चोटिल हो गए थे। वेस्टइंडीज के फास्ट बॉलर मार्क डिलियन की बाउंसर गेंद अनिल कुंबले के जबड़े पर लगी थी और वो लहू लुहान हो गए थे। बहुत ज़्यादा खून निकला लेकिन अनिल कुंबले ने हार नहीं मानी और वो वापस नहीं लौटे। करीब 20 मिनट के इलाज के बाद अनिल कुंबले वापस बैटिंग के लिए आ गए और उन्होंने शानदार बैटिंग की और भारत ये मैच ड्रॉ करने में सफल रहा। चोटिल होने के बाद अनिल कुंबले ने सिर्फ बल्लेबाजी नहीं की बल्कि वो पूरे चेहरे पर बैंडेज लगाकर गेंदबाजी करते भी दिखे। अनिल कुंबले ने उस मैच में लगातार 14 ओवर गेंदबाजी की और वेस्टइंडीज़ के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा को आउट किया। अब जब रवि बिश्नोई ने चोटिल होने के बाद गेंदबाजी की तो फैंस को वही अनिल कुंबले याद आ गए। अनिल कुंबले की वो पट्टी बनी हुई गेंदबाजी करने की तस्वीर भारतीय क्रिकेट की आइकॉनिक तस्वीरों में से एक है। रवि बिश्नोई को देखने के बाद फैंस को अनिल कुंबले की वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। अगर आज की बात करें तो श्रीलंका और भारत के बीच दूसरा टी20 मैच खेला जाना है और रवि बिश्नोई की वो चोट शायद आज उन्हें खेलने में दिक्कत पैदा कर दे। अगर रवि बिश्नोई बाहर होते तो शायद उनकी जगह टीम इंडिया में वॉशिंगटन सुंदर की एंट्री हो जाएगी। लेकिन बिश्नोई का ये जज्बा फैंस को सालों साल याद रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और खेल जगत की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABP लाइव का स्पोर्ट्स लाइव।